हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे ई फार्मेसी के बारे में। एक्चुअली क्या है कि इंडिया में जो ई फार्मेसी है, ऑनलाइन फार्मेसी है, वो रेगुलेटेड नहीं है। एक्चुअली ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, वहां पे भी कहीं मेंशन नहीं है और इसी वजह से बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है इसके लॉज के अकॉर्डिंग या इसके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कि कैसे आप ऑनलाइन फार्मेसी शुरू कर सकते हो। एक्चुअली ड्राफ्ट आया था 2018 में, उसको इम्प्लीमेंट होना था लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती कि कैसे ऑनलाइन फार्मेसी आप शुरू कर सकते हो, कैसे नहीं शुरू कर सकते हो। एक्चुअली हमने भी काफ़ी सर्च किया है गवर्नमेंट के पोर्टल से या दूसरी चीज़ों में, तो उसके बावजूद भी बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि ई फार्मेसी बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर जो ड्राफ्ट आया था वो नोटिफाई हो जाता, वो लागू हो जाता, तो उसके बाद तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसके लिए बननी थी, वहाँ पे ई फार्मेसी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती थी। एक पर्टिकुलर टाइप का फॉर्म वहाँ पे भरा जाता और आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते। तो वो जो ड्राफ्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। बाकी जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वो बेसिकली किस तरह काम करते हैं, वो बेसिकली अभी एक ऑनलाइन ऐप बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं और जो उनके बैकएंड पे है, जो उनका फार्मेसी या तो किसी के साथ उनका टाई अप होता है फार्मेसी के साथ या उनकी अपनी फार्मेसी होती है होलसेल रिटेल की, होलसेल ड्रग लाइसेंस होता है या रिटेल ड्रग लाइसेंस होता है, तो उनकी अपनी फार्मेसी होती है। बिना किसी लॉ या रेगुलेशन के, बिना जो आज ऑनलाइन फार्मेसी काम कर रही है, फार्मेसी काम कर रही है, वो बेसिकली इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत काम कर रही है। जैसे दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट्स या एप्स काम कर रही है, उसी तरह ई फार्मेसी या ऑनलाइन पोर्टल्स काम कर रहे हैं। बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑनलाइन फार्मेसी दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बजाय उनको थोड़ा सा रेगुलेशन का हिसाब रखना पड़ता है, बैकएंड पे उनके पास लाइसेंस होना जरूरी है। जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं वो तो जीएसटी नंबर पे चल जाते हैं क्योंकि उनके जितने सेलर होते हैं वो केवल जीएसटी नंबर पे ही सेल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन फार्मेसीज है, जो ई फार्मेसीज है, उनमें थोड़ा सा बदलाव है कि आप बिना लाइसेंस के, बिना फार्मासिस्ट के मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो बैकएंड पे या तो उनके पास अपने लाइसेंस है, अपने उनके पास फार्मेसी लाइसेंस है, होलसेल फार्मेसी लाइसेंस है, या फिर वो किसी रजिस्टर्ड जितने भी फार्मेसी स्टोर्स वगैरह हैं उनके साथ टाई अप करके रखते हैं जिनमें फार्मासिस्ट भी अवेलेबल रहता है और उनके पास एक रिटेल ड्रग लाइसेंस भी है। यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ कि होलसेल ड्रग लाइसेंस भी ऑनलाइन फार्मेसी में एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे तो अगर हम ऑफलाइन में देखे जाए तो जितने भी होलसेल ड्रग लाइसेंसी होते हैं वो डायरेक्टली पेशेंट को मेडिसिन को डिस्पेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिजनेस टू बिजनेस ही कर सकते हैं। वो या तो वो रिटेलर को, फार्मेसी को, मेडिकल स्टोर को या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, उनको ही सप्लाई कर सकते हैं कि कभी भी डायरेक्टली पेशेंट को वो डिस्पेंस नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन फार्मेसी के मामले में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि वो कर रहे हैं या नहीं कर पाए हैं, वो होलसेल ड्रग लाइसेंस से कर रहे हैं या फिर फार्मेसी से कर रहे हैं। लेकिन इतना है कि वो फार्मेसी का अगर आपके पास रिटेल ड्रग लाइसेंस है तो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली जितनी भी ऑनलाइन फार्मेसी अभी आप अभी काम कर रही है वो आईटी एक्ट के अंतर्गत ही कर रही है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट का दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर से जो इम्पोज किए गए थे ऑनलाइन फार्मेसी पे, बिना लाइसेंस के या बिना रजिस्टर्ड फार्मेसी के और बिना फार्मासिस्ट के परचेंस के वो मेडिसिन को डिस्पेंस नहीं कर सकते या कोरियर नहीं कर सकते पेशेंट को, इसकी वजह से वो लाइसेंस होना जरूरी है। बाकी उनका जो भी काम आज के टाइम में हो रहा है वो आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत ही हो रहा है, जब तक कि जो 2018 में ड्राफ्ट आया था वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। जब ड्राफ्ट पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो पूरी तरह पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको किस तरह के लाइसेंस की जरूरत होगी, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है, सेंट्रल ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना है या स्टेट से लाइसेंस लेना है। अभी तो जितने काम कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली एक फार्मेसी रजिस्ट्रेशन जो रिटेल ड्रग लाइसेंस होता है उसको लेके और एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट बना के ही काम कर रहे हैं, बैकएंड पे उनके पास लाइसेंस है और एक ई कॉमर्स वेबसाइट को आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत जो उसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए उसके हिसाब से ही वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन पे थोड़ी सी और रिस्ट्रिक्शन है कि वो शेड्यूल एक्स की और जो हैबिट फॉर्मिंग या नार्कोटिक ड्रग्स है उनको वो सेल नहीं कर सकते अपने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। बाकी वो शेड्यूल एच की, H1 की, CC1 की और दूसरी जितनी भी मेडिसिन है जो प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट बेची जा सकती है उनको प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट डिस्पेंस कर सकते हैं, और जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो OTC कैटेगरी में आती है उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी वो डिस्पैच कर सकते हैं। उसके अलावा वो डाइटरी सप्लीमेंट्स या आयुर्वेदिक दूसरी भी मेडिसिन या दूसरे भी अल्टरनेटिव मेडिसिन या फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट को भी सेल आउट करते हैं। तो उम्मीद करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक फॉर वॉचिंग।